हर हालत में रोकना ही होगा। सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बच्चे? दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कल की 28-98 एडी के लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही आपको बताएंगे कि फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी या फ्लॉप, और साथ ही साथ जानेंगे फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये एक साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, प्रभास, कमल हासन, दीपिका पादुकोण, राजेंद्र प्रसाद, शोभना, सस्वता चटर्जी, ब्रह्मानंदम, पशुपति और अन्ना बहन नजर आए थे। फिल्म को नाग अश्विन ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की कहानी भी उन्होंने लिखी थी। बात करें रनिंग टाइम की तो ये फिल्म 3 घंटे 1 मिनट लंबी फिल्म थी। वहीं बात करें स्क्रीन काउंट की तो दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में लगभग 6000 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था, तो ओवरसीज में लगभग 2000 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था। यानी इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 8000 स्क्रीन के साथ 27 जून 2024 में रिलीज किया गया था। बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी वर्जन में 22 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 111 करोड़ 72 लाख का कलेक्शन किया था और अपने पहले हफ्ते में 162 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने हिंदी में 292 करोड़ 87 लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था। तो ऑल इंडिया में इस फिल्म ने अपने पहले दिन 100 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 310 करोड़ 47 लाख का कलेक्शन किया था और अपने पहले हफ्ते में 416 करोड़ 63 लाख का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने इंडिया में 650 करोड़ 30 लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था, तो 774 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया था। फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 281 करोड़ का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 1055 करोड़ 20 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि फिल्म का थिएट्रिकल बजट तकरीबन 390 करोड़ था। ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वहीं बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.6 रेटिंग मिले। बात करें रिकॉर्ड्स की तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 182 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। ये फिल्म प्रभास की बाहुबली 2 के बाद वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 2000 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनी थी। तो ये फिल्म हिंदी में बाहुबली 2 और केजीएफ 2 के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साउथ फिल्म बन चुकी है। प्रभास की हिंदी में 100 करोड़ कमाने वाली ये 6वीं फिल्म बनी थी। इससे पहले उनकी बाहुबली, बाहुबली 2, साहो, आदि पुरुष और सलार ने भी हिंदी में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। ये फिल्म इंडिया की 4वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म से आगे बाहुबली 2, केजीएफ 2 और आरआरआर है। बाहुबली 2 के बाद इतने सालों बाद प्रभास की कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उनकी पिछली फिल्म सलार थी जो बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही थी। तो चलिए दोस्तों इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये फिल्म इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। फिल्म का टोटल बजट लगभग 600 करोड़ है। नंबर 2, फिल्म में कुछ फ्यूचर के व्हीकल्स दिखाए गए थे और ये व्हीकल्स को कोई सीजीआई इफेक्ट से नहीं बनाए गए थे। रियल में इन व्हीकल्स को महिंद्र कंपनी के टेक्निकल सपोर्ट की मदद से बनाए गए थे। नंबर 3, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को बहुत बड़ी इंजरी हुई थी, जिसके चलते काफी टाइम उन्हें बेड में रेस्ट करना पड़ा था। नंबर 4, 39 साल बाद कमल हसन और अमिताभ बच्चन ने साथ में काम किया था। उन्होंने साथ में आखिरी बार गिरफ्तार फिल्म में काम किया था, जो सन 1985 में रिलीज हुई थी। नंबर 5, प्रभास ने तीसरी बार डबल रोल निभाया था। इस फिल्म में उन्होंने कर्ण और भैरवा का रोल निभाया था। इससे पहले उन्होंने बिल्ला और बाहुबली सीरीज में भी डबल रोल निभाया था। नंबर 6, फिल्म का सबसे पहले टाइटल प्रोजेक्ट के रखा गया था। नंबर 7, कमल हसन फिल्म में काम करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुए थे क्योंकि फिल्म में अमिताभ बच्चन थे। बहुत सालों बाद उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला था, इसलिए उन्होंने ये मौका जाने नहीं दिया। नंबर 8, ये फिल्म दिशा पाडवानी की दूसरी तेलुगु फिल्म थी। हालांकि इस फिल्म में उनका कैरेक्टर सिर्फ नाम भर का था। उनकी पहली तेलुगु फिल्म लोफर थी, जो 2015 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म उनकी डेब्यू फिल्म भी थी। नंबर 9, सबसे पहले इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजर के लिए एआर रहमान को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए म्यूजिक देने से मना कर दिया था। नंबर 10, आपको बता दूं कि इस फिल्म को ओरिजिनली तेलुगु में शूट किया गया था, बाद में इस फिल्म को बाकी भाषाओं में डब करके रिलीज किया गया था। नंबर 11, पहले ये फिल्म 9 मई 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ पोस्ट प्रोडक्शन काम बचा हुआ था, इसलिए फिल्म के रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया था। नंबर 12, कमल हसन के फर्स्ट लुक पोस्टर को फिल्म के रिलीज होने के बाद रिवील किया गया था। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा देता कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।